नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गेम समझिए है, और गेम समझिए में आप जानते हैं कि हम आपको बिहार की जो ताजा हालात हैं, जिससे देश को प्रभावित किया जा सकता है या देश प्रभावित हो रहा है, उसके मायने क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेंगे, हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को आप तक रखें। गेम समझिए में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं, उसमें साफ साफ आपको भी नजर आ रहा होगा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और पूरी मंडली से अपनी सीएम कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन अपने सांसदों को कैसे बचाएंगे बीजेपी से, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक समाप्त हुई, उसमें जो एजेंडा पास किया गया, उस एजेंडा के बाद एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, और उस असमंजस की स्थिति में को पैदा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी के साथ साथ अपने ऊपर जो दबाव बन रहा था, उस दबाव को भी कम कर दिया है, ललन सिंह और तेजस्वी यादव को उस कमेटी का हिस्सा बना करके अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत कर लिया है कि वो बिहार और बिहार की सरकार, बिहार की कुर्सी चलाते रहें। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो बड़ा ही असमंजस पैदा कर रहा है, और साथ में असमंजस पैदा कर रहा है वो सर्वे रिपोर्ट। कई एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट सामने रखे हैं, जिनमें से कई एजेंसियों के सर्वे रिपोर्ट हमने आपको बताए हैं। आधा दर्जन सांसदों के नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसके अलावे भी कई ऐसे सांसद हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे एक दर्जन के आसपास सीट हैं जिस पर आमना सामना 2019 में हुआ है राष्ट्रीय जनता दल और पहले के महागठबंधन एनडीए के साथियों के बीच। एनडीए में तब नीतीश कुमार हुआ करते थे, उनके 16 सीटों में 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से उनका सीधा मुकाबला हुआ है, तो वहीं कई सीटों पर कांग्रेस से भी मुकाबला हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य दलों के साथ अगर बात करें तो उनके साथ अलग अलग राजनीतिक दलों की जो सामने सामने भिड़ंत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़ंत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्टकारी जो बात है वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी इतने दिनों के गैप के बाद भी, 2020 के गैप के बाद, आज एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा है। 2019 के चुनाव के बाद एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा है। 2019 के चुनाव के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए से बाहर है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने एक तरफ जहां एनडीए में अपने कई दुश्मन पाल रखे हैं, वहीं उनके खेमे में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उनके सबसे बड़े दुश्मन। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के लिए अपनी कुर्सी बचाना तो सहज हो गया था, हालांकि यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावे और किसी चीज से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में तो यहां तक लोग कहते हैं कि वो जब तक है तब तक जदयू है, वो नहीं तो जदयू नहीं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और जिसकी चर्चा इस गठबंधन के मीटिंग के बाद जो शुरू हो गई हैं, उनमें से कई तथ्य हैं, कई तर्क हैं, जिनको आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि नीतीश के फैसले को लेकर के, नीतीश को क्या आगे करना है, किस दिशा में जाएंगे, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके फैसले नहीं माने गए हैं, हालांकि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में खूंटा से बांध दें वो ललन सिंह को और तेजस्वी यादव को। ये दो लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कुर्सी के करीब पहुंच रहे थे। इसके बाद की कहानी, अब इससे आगे आप बढ़ते हैं तो सभी को पता चल गया है कि नीतीश कुमार के हाथ में इंडिया गठबंधन का कमान नहीं मिलने से उनकी स्थिति कमजोर हुई है, और सीट शेयरिंग का जब मामला सामने आएगा तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लालू प्रसाद के सामने वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। कई लोगों की जो कुर्सियां हैं, कई लोगों की उम्मीदवारी जो है वो प्रभावित होगी, और इससे पहले कई ऐसे लोग हैं जो 2024 का चुनाव
मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, इसका दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने भी यह दावा किया है कि जो स्थिति जदयू की है उससे उसके सांसद काफी घबराए हुए हैं, चिंतित हैं और पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है। ललन सिंह को फ्रेम से बाहर करने का मतलब है, उस गठबंधन में शामिल कराने का मतलब है और उसमें एक जिम्मेवारी दिलवाने का मतलब है कि ललन सिंह क्या करते हैं। फिलहाल तो ललन सिंह उस मामले में एक महीने का जो टेन्योर दिया गया है कि एक महीने के अंदर में सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया जाएगा, लेकिन जितना आसान समझा जा रहा है उतना आसान है नहीं। अगर इतना आसान होता तो सबसे पहले यही हो जाता क्योंकि नीतीश कुमार इस पर दबाव बनाए हुए थे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके पास जो 16 सीटें अभी वर्तमान में है जीती हुई, उन सीटों पर कोई इधर उधर ना हो, लेकिन ऐसा संभव कहां लगता है। एक तरफ जहां 40 सीटों के समीकरण की बात करते हैं आप, तो इस समीकरण में चाहे जितना भी आप दांव लगा लें, लेकिन सर्वे रिपोर्ट यही बता रहा है कि ये आंकड़ा 2020 से अब आगे बढ़ गया है। जो 2022 के अगस्त में जिसका दावा लगातार तेजस्वी यादव करते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, अब केंद्र की सत्ता से बेदखल करेंगे, उन तेजस्वी यादव को यह समझना पड़ेगा कि क्या वो नीतीश कुमार की शर्तों पे आगे चलेंगे। सीट शेयरिंग के समझौता में वो नीतीश कुमार कांग्रेस और वाम दलों का जो डिमांड है उसको पूरा करके अपने कम सीटों पे लड़ेंगे, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल आपस में गठबंधन कर भी लेते हैं और भीतर ही भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जैसा कि कहा जा रहा है कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय करेंगे, यानी 17 सीट पर आरजेडी, 17 सीट पर जेडीयू और 6 सीट जो बचेगी उसमें से 4 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट वाम दलों को दिया जाएगा, क्या आपको यह संभव लगता है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस गठबंधन का मजबूत हिस्सा रह पाएगी? क्या 4 सीटों से कांग्रेस मान जाएगी? ये किसी भी हाल में होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सीटें घटेंगी। और राष्ट्रीय जनता दल अपनी सीटें जो 19 सीट पर लड़ा था 2019 के चुनाव में, उन सीटों पर एक बार फिर से अपनी दावेदारी ठोक रहा है। यह साफ बताता है कि दोनों ही खेमे में आग बराबर लगी हुई है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के 16 सांसद जीते हुए हैं इसलिए इनके यहां आग नहीं बल्कि धधक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दावे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दम जरूर नजर आता है, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार निगोशिएट कर सके इसलिए उन्होंने अपना नाम उस कमेटी में शामिल नहीं किया है और कमेटी के कई लोगों को अधिकार दिए गए हैं, 5-5 कमेटियां बनी है, अलग अलग चीजें हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया है। उस रास्ते में नीतीश कुमार की कोशिश यह है कि वो अपने 16 सांसदों को बरकरार रख पाए। अभी भी लगातार सांसदों से मुलाकात करना, उन्हें इस बात का सांत्वना देना कि उनके सीट पर किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा, ये सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार फुसलाने वाला काम कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जो हमारे पास कई एजेंसियों के रिपोर्ट हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 18 सीट पर लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ताल ठोक रही है, जिसमें से आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो जदयू की जीती हुई सीट है। हमने आपको पहले बताया था, आप पीछे अगर जाइए भारत लाइव पे तो आपको ये सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। हमने वो उन सीटों को भी आइडेंटिफाई करके बताया था कि कौन कौन सी सीट है जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी मजबूत है। हालांकि जीते हुए तो नीतीश कुमार है, लेकिन दावेदारी मजबूत इसलिए हो जाती है कि उसके पास वोट बैंक ज्यादा है और बड़ा पार्टनर भी है। जिस हिसाब से उसके पास विधानसभा में 80 से एक कम सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 16 सीटें तो निश्चित रूप से बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार के पास जो सीटों की संख्या है वो घटती हुई नजर आ रही है और 10 सीट के आसपास नीतीश कुमार का हिस्सेदारी बनता है। तो क्या 6 सीटों का कुर्बानी होगा?
इन 6 सीटों के अलावे और कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं, तो कितने लोगों की बातचीत चिराग पासवान से भी हो रही है। बात करें तो जीतन राम मांझी के खेमे में भी कई लोगों ने उम्मीद बनाकर रखा है कि जीतन राम मांझी को सीटें मिलेंगी, उसमें से उनका भी हिस्सेदारी होगा, चाहे एन केन प्रकारे न किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को मना ले। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर नहीं तो दूसरे के सिंबल पर अपने साथी दलों के उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दे। ऐसी स्थिति में आप एक बात तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही कठिन समय है। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी तो लालू प्रसाद से बचा ली, अपनी रणनीतियां बना करके अपनी चाणक्य नीति से, लेकिन वो अपने सांसदों को भाजपा से कैसे बचाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का हल नीतीश कुमार भी तलाश रहे हैं, इस प्रश्न का हल वो सांसद भी तलाश रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ रह करके लालू प्रसाद के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ना उन्हें सहज नहीं लगता है, उन्हें अपनी स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के नेता बिहार की उनकी जीती हुई 16 सीटें उनके लिए छोड़ देंगे? क्या एक बार फिर से सेक्रीफाइस करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद? क्या कांग्रेस सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगी? ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं, इसके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें साफ लग रहा है कि जो 30 सितंबर तक का एक डेडलाइन तय किया गया है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को करने का, तब तक नीतीश कुमार अपने लोगों को जोड़ करके रस्सी में बांध करके खूंटे पर रखना चाहते हैं कि इधर उधर भटके नहीं। आपको पता है कि जब चरवाहा अपने जानवरों को चरने के लिए चरागाह में छोड़ता है तो शाम के समय में गिनती करता है कि कौन लौटा कौन नहीं लौटा। नीतीश कुमार का भी रोज का यही काम है, सुबह उठते हैं तो गिनती करते हैं, शाम सोने से पहले गिनती करते हैं कि कितने सांसद उनके पास बचे हुए हैं, कितने उनसे नाराज चल रहे हैं, कौन खूंटा पे नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो समय होगा वो क्या लेकर के आता है, लेकिन 30 दिनों तक एक बार फिर से सभी को फुसलाने का नीतीश कुमार ने रास्ता खोज लिया है कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहते हैं वही होगा, आपके सीट पर किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।